दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप और अमेजन के बीच में जो झगड़ा चल रहा था उसका फैसला आ चुका है। हाँ दोस्तों, यह फैसला अमेजन के पक्ष में गया है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर जल्द सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस ग्रुप के बीच में जो डील हुआ था उसके बाद अमेजन ने एक लीगल नोटिस भेजा था। लीगल नोटिस में यह कहा गया था कि हमने आपसे 49% स्टॉक फ्यूचर ग्रुप का खरीद हुआ है, उसमें क्लॉज है कि आप रिटेल में दूसरा इन्वेस्टर नहीं खोज सकते। तो उसी से नाराज होकर अमेजन ने एक लीगल नोटिस भेजा था फ्यूचर ग्रुप को, जिसका सुनवाई सिंगापुर में चल रहा था, जिसका सुनवाई के दौरान वहां के रिटायर्ड अटॉर्नी जनरल ने इसका पक्ष सुना, दोनों का पक्ष सुना और फैसला अभी अमेजन के पक्ष में गया हुआ है। मैं यहाँ पे एक चीज़ यह बताना चाहूँगा कि यह फाइनल फैसला नहीं है, फाइनल फैसला आगे होगा, लेकिन तब तक के लिए इस फैसला में यह कहा गया है कि आप रिलायंस के साथ यह डील आगे नहीं कर सकते, इसे आप होल्ड में रखेंगे। यहाँ यह बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे अमेजन की जीत हुई है, लेकिन यह फाइनल फैसला नहीं है। फाइनल फैसला कुछ दिन बाद आएगा, मतलब यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन ला के डाला गया है कि अभी इसका फैसला 90 दिन के अंदर यहाँ नया सुनवाई होगा, जिसमें 3 लोगों को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उन 3 लोगों के सामने फिर से दोनों का पक्ष रखा जाएगा, दोनों का पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 90 दिन के भीतर यहाँ पे एक फाइनल डिसीजन होगा। मेरा बोलने का मतलब यह है कि यह अभी फाइनल फैसला नहीं है, लेकिन यह फैसला अमेजन के पक्ष में गया है। यहाँ पे अमेजन बहुत ही खुश होगा, क्योंकि अमेजन रिटेल का बादशाह है और अमेजन नहीं चाहता है कि रिलायंस इस सेक्टर में आए और उसे इसका खामियाजा या नुकसान भुगतना पड़े। अमेजन ने जो लीगल नोटिस भेजा था उसका सुनवाई 16 अक्टूबर को अटॉर्नी जनरल के सामने हुआ था, उसमें दोनों पक्षों का बात सुना गया था। अगर देखा जाए तो ऐसे जो इंटरनेशनल कोर्ट में ऐसा जो फैसला होता है उसमें कम से कम 3 महीना 4 महीने का समय लगता है, लेकिन इस मामले में यहाँ पे 1 महीने के अंदर ही सुनवाई भी हो गया और उसका फैसला भी आ चुका है। लेकिन यह ये फाइनल फैसला नहीं है, फाइनल फैसला के लिए अभी 3 जजों का या 3 पर्सन का अपॉइंटमेंट किया जाएगा और इस सुनवाई में 90 दिन के भीतर उनको इसका डिसीजन लेना होगा। मतलब यहाँ 2 से 3 महीने और लग सकता है फाइनल डिसीजन आने के लिए, लेकिन तब तक के अमेजन के पक्ष में बॉल है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप रिलायंस के साथ आगे डील नहीं कर सकता, यहाँ उसे होल्ड में रहना पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट यहाँ इसके स्टॉक में, इनके पूरे फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल सारे फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक में यहाँ पे लोअर सर्किट लगे। तो यहाँ पर इस फैसले से रिटेल निवेशकों को बहुत ही ज़्यादा मायूसी होगा, क्योंकि यहाँ पे रिटेल निवेशकों का बहुत ही ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है। वो ऊपरी लेवल पे जब डील हुआ था तब खरीदारी किए थे, उसके बाद इनके सारे स्टॉक, इनका सारा वैल्यूएशन आधा हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत ही रिटेल निवेशक भाई फंसे हुए हैं और यहाँ पे उम्मीद था कि यह फैसला फ्यूचर ग्रुप के पक्ष में आएगा और उसके बाद यह हमें बैक टू बैक अपर सर्किट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा झटका है, फ्यूचर ग्रुप के लिए भी झटका है और यहाँ पर रिलायंस के लिए भी झटका है। रिलायंस के लिए यहाँ पे एक झटका और यह भी है कि जो अरामको डील था वो भी अभी बीच में अधर में लटका हुआ है। अरामको के साइड से भी कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कुछ फैसला नहीं हो रहा है। तो दोनों ही केस में रिलायंस के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन उससे भी बड़ा झटका यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप के लिए है। अब उन पे लेंडर्स और हावी होंगे, उन पे और बर्डन पड़ता जाएगा। अब तो यहाँ पे एक चीज़ तय है कि 3 महीने से पहले तो यह डील कंप्लीट हो नहीं सकता, यह डील मजदार में फंसा हुआ है। अब आने वाले समय में देखना होगा क्या होगा। लेकिन यहाँ पे अमेजन का यह कहना है कि हम आपके लिए नए इन्वेस्टर लेके आएंगे, जिससे आप यहाँ पे अपने सारे कर्ज चुका लेंगे। लेकिन अब ये डील में कम से कम 3 महीने का डिले तो होता हुआ है, हमें दिख रहा है। हमें यहाँ पे मायूस में इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रिटेल निवेशकों का बहुत ही ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा उम्मीद था कि यह फैसला फ्यूचर ग्रुप के पक्ष में आएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा जो भी आगे अपडेट होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट्स करें, हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें।